देखो जी अरदास आई है, इतनी सारी प्रूफ, बहुत भारी है। तो चलो, तो ये देखो जी अरदास आई है। जब लोगों के अच्छे अच्छे काम होते हैं तो ये अरदास चढ़ाते हैं, तो इनसे सुनो भाई किस चीज़ की अरदास दे रहे हैं। तो शेर वाली माई का बोल सच्चे दरबार की जय। मेरे हस्बैंड जी कोई काम नहीं सी चलता इतने, बड़े तंग सके असी। सानू माता रानी बारे किसी ने दसिया, असी दीदी के दरबार च आए तो सानू दीदी ने राह दिखाया। हुण मेरे हस्बैंड बाहर चले गए हैं, यूके च सैटल होए हैं, तो उन्होंने 5 लाख की जॉब लगी है। सब दीदी की मेहरबानी करके बोल सोनू माता की जय। ओ मैं माता नहीं हूँ, माता जयकारा शेरा वाली माई का बोल साचे दरबार की जय। तो भाई माँ रानिया ऐसे ऐसे रंग लगा रही है इन बच्चों को, तो जैसे जैसे फ्रूट की टोकरी आई है, भाई ये भारी बहुत है, ओ चक्को इसको रखो उधर, तो जैसे जैसे ये फ्रूटों की टोकरी आई है ऐसे इनके जीवन में ऐसे ही रस भरे, ऐसे ही मिठास इनके जीवन में आए। हम दरबार में गद्दी में बैठ के सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं। ये माँ रानी के लिए लहंगा है भाई, और माँ के सब श्रृंगार यहाँ पे होते हैं, और ये लोग वो लेके आते हैं जिनको माँ भगवती रंग लगाती है। तो जो भी दुखी हैं माँ सबको सुख दें, जो भी वीडियो देखे सुने भगवान उनके भी दुख दूर करें और इनके जीवन में खुशियाँ लाए। ऐसे ही माँ को फ्रूट चढ़ते रहे, ऐसे ही माँ के लंगर चलते रहे, ऐसे ही माँ के जागरण चलते रहें, तो माँ भगवती का श्रृंगार हम ऐसे ही करते रहें। और मैं इन बच्चों को विशेष आशीर्वाद देती हूँ, जो हर खुशी में हर गमी में महारानी के लिए याद रखते हैं, अपने बच्चों के किसी भी जन्मदिन पे किसी भी कार्यज में माँ भगवती को याद रखते हैं। मैं दिल से इनको आशीर्वाद देती हूँ कि माँ रानी इनके जीवन में ऐसे ही लाल रंग, लाल चोले और धन दौलत की बरसात करें, लाखों रुपए ये देशों में कमाएं और लाखों रुपए यहाँ महारानी के दरबार में दे। जयकारा शेरा वाली माई दा बोल साचे दरबार की जय। माँ को तो भाई पहले देना पड़ेगा, तुम्हारे को नहीं माँ नाराज होगी तो कुछ नहीं। माँ को सबसे पहले, और माँ के सदके देखिए जो करेगा ज़रूर, कहीं भी कर लो आप। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप दरबार में ही करो, मैं कहती हूँ आपके नज़दीक कहीं माता का मंदिर है, वहाँ हर नवरात्रे चुन्नी नारियल आप भेंटे चढ़ानी शुरू कर दो। माँ श्रृंगार से, चुन्नी से, नारियल से जिसको नज़दीक पड़ता है वहाँ चढ़ाएं, बहुत खुश होती है। किसी मंदिर जाएं वहाँ ज़रूर चढ़ाएं, माँ काली को काली चुन्नी चढ़ाएं, माता को चढ़ाएं, और आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएगी। हम तो इसलिए कहते हैं ना यहाँ पे कि यहाँ से हमने माँ भेजी होती आपके काम करने के लिए, तो हम माँ को कहते हैं माँ तेरा श्रृंगार देंगे, माँ तेरा चोला देंगे, माँ तेरा लंगर दे देंगे, माँ तेरा खाना दे देंगे, इनका काम कर दें। तो माँ भगवती काम करती है तो हमको यहाँ पे आपसे लेना पड़ जाता है, ठीक है। बाकी आप अपने किसी एरिया में अपनी कुलदेवी को, आप कहीं भी किसी को भी खुश कर सकते हैं, पर करना आपको कंटिन्यू है ये चीज़, तो आपके जीवन में खुशियाँ आने से कोई नहीं रोक सकता भगवान सबका। और भगवान खा करके नहीं रखते किसी का, भगवान की एक असूल है, अगर वो किसी का खा रहे हैं ना, ले रहे हैं ना, उसका 10 गुना वो मोड़ते हैं। ये एक रियलिटी है, सच्चाई है, ठीक है। बोलो जयकारा शेरा वाली माई का। तो भाई बहुत